स्वादसन कायम खानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, नया यूट्यूब चैनल स्वादसन कायम खानी ऑफिशियल। और फेसबुक वालों को मैं अपने फेसबुक, आप लोग मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं जो कि मेरे फेसबुक पे पेज है स्वादसन कायम खानी सोहेल हसन के नाम से। उसको आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो में कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मैं गया था अपने वैलेज और मैंने अपने कज़न की शादी अटेंड की और उससे कुछ लम्हात मैंने जो रिकॉर्ड किए मैं वो आपके साथ दिखाना चाहता हूँ। तो जाइए वीडियो को देखिए, वीडियो को इन्जॉय। तो भाइयों इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ऐसी कोच के स्टॉप पे, देख सकते हैं आप लोग। इस वक्त ये टाइम हो रहा है 5:15 का टाइम हो रहा है। तो इस वक्त मैं इसी कोच के स्टॉप पे खड़ा हूँ और कोच का वेट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो सब। तो भाई फिर मैं बैठा ऐसी कोच में, तो आप देख सकते हैं इस वक्त कोच खाली है। तो ब्रदर्स फिर हम लोग निकले एक स्टॉप से दूसरी स्टॉप की तरफ कराची में ही, तभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे स्टॉप की तरफ। क्या गया जन साहब, बुला नहीं है। तो भाइयों फिर मैं निकला कराची टूल प्लाजा से, तो अब कराची टूल प्लाजा से निकल चुके हैं। भाई फिर हम लोग रुके हैं इसी कोच पेट्रोल पंप पे, तो हमने थोड़ा सा उतरा, रेस्ट वगैरह भी किया, थोड़ा वाटर पानी वानी भी पिया थोड़ा, और पेट्रोल भी भरवाया कोच में। तो भाइयों फिर मेरी कोच में चढ़ा एक दाल मोड वाला, जो आवाज़ आती है ना, दाल मोड ले लो, चना ले लो, दाल ले लो। तो फिर मैंने उससे ली कुछ दालें और कुछ चने लिए और काफ़ी चीज़ें ली थी, मतलब काफ़ी चीज़ें ली। तो फिर मैं सो के उठा तो हम लोग हाईवे पे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कराची हाईवे का भी कुछ दिखा दिया जाए। तो भाई फिर मैं पहुंचा हैदराबाद टूल प्लाजा पे, तो अभी हमें टूल पे करना है, टूल फी पे करेंगे फिर हम आगे जाएंगे। तो भाई फिर हम लोग रुके रेंजर्स चेक पोस्ट में, तो हमने चेकिंग वगैरह करवाई अपनी गाड़ी की भी और सामान की भी, जो कि कानूनी तरीके कार है कि एक शहर में अगर आप इंचार्ज करें तो आपकी चेकिंग लाजमी है, ठीक है। तो फिर हम लोग हैदराबाद के अंदर इंटर हुए, पूरा हैदराबाद यानी एसी कोच में हमने गुजारा। ज़ाहिर सी बात है एसी कोच पूरे हैदराबाद को घुमा के लेके गई, तो आप देख सकते हैं वीडियो में भी जो थोड़ी थोड़ी वीडियो है जो कि हैदराबाद की। फिर हम लोग हैदराबाद पहुंचे, तो कराची से मेरे साथ एक मेरा मुसाफिर ही बैठा हुआ था, दोस्त मेरा भाई, तो मुसाफिर था एक, तो वो बैठा हुआ था, उसको नींद आ गई। तो आप देख सकते हो कैसे सो रहा है, बिल्कुल मगन हो के सो रहे हैं भाई, होश ही नहीं है, धूप आ रही है, कुछ भी आ रही है, मैंने खिड़की खोली जल्द शायद उड़ी है, लेकिन नहीं।
जब हम लोग हैदराबाद पहुँचे तो मैंने हैदराबाद में इतना पानी देखा तो मुझे हैरत हुई, मतलब हैदराबाद भी डूबा था बारिश में, मुझे यकीन नहीं आया। तो भाई यही हाल है कराची हैदराबाद का, कराची हैदराबाद सबका, कराची हैदराबाद का कोई नहीं। तो फिर हम लोग हैदराबाद टूल प्लाजा से निकले, जो कि अगला रास्ता जो होगा मीरपुर खास का, यानी मारूफ यूट्यूबर मारूफ व्लॉगर जो कि जिनको तमाम पाकिस्तानियों ने देखा होगा इरफान जुनी जो का गांव कहलाया जाता है मीरपुर खास, फिर हम वहां से भी गुजरेंगे। तो फिर हैदराबाद से मीरपुर खास का रास्ता मेरा कुछ यूँ गुजरा। फिर आखिरकार हम लोग मीरपुर खास पहुंच गए, जो कि मीरपुर खास का टूल प्लाजा है। तो अभी आप मीरपुर खास भी देखेंगे। तो भाई लोग फिर हम लोग मीरपुर खास से जब निकलने लगे बाहर की तरफ तो एक शहर का रास्ता जा रहा था, तो मुझे शहर का रास्ता देख के आया यार कि ये इरफान जुनेजो यानी जुनेजो हाउस की तरफ ही रोड जाता है। तो मैं दिखा तो नहीं सका आप लोगों को क्योंकि मैं इसी कोच में था। तो मैं उस गांव से भी गुजरा जहाँ पर मारूफ फेमस यूट्यूबर है, जो कि ब्लॉगर्स है फेमस, इरफान जुनेजो का वैलेज था ये आपने देखा। तो फिर हम लोग निकले मीरपुर खास से अपने गांव की तरफ। तो मैं गांव की तरफ जा रहा था तो इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, इतना हसीन मौसम और इतने हसीन बादल, मुझे इतने हसीन मंजर दिखे तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बताऊं क्या तो आप खुद जाके देखें, उस वीडियो को देख लें। भाई फिर मैं पहुंच गया अपने गांव KGM में। तो मेरे गांव का नाम है कोट गुलाम मोहम्मद और निक नेम है जेम्स साहब। तो ये सर जेम्स के नाम से था पहले, जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब ये सर जेम्स के नाम से था, और अब इसका नाम है कोट गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी के थे ये गांव। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये मेरे कोट गुलाम मोहम्मद मेरे गाँव का गेट है, और अंदर के भी कुछ मनाजिर देखेंगे। तो अब मैं आपको मिलूँगा कोच से उतर के, कुछ मैं आपको घर दूँगा कोच से उतर के, यानी रक्षा जो कि हमारा मशहूर रक्षा है चिंची रक्षा कहते हैं उसे, फिर उस रक्षे में मैं घर जाऊंगा। तो अब मैं आपको मिलूंगा घर पे। भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? तो मैं घर पहुंच चुका हूँ। हाल देखो, हाल देखो क्या हाल होगी, क्या हाल हो रहा है, ये हाल हो रहा है। तो अभी मैं घर पहुंचा हूँ, अभी पहुंचा हूँ गाँव में अपने। तो ये मेरे कमरा है घर का, बेडरूम, गांव में इस टाइम के होते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं अभी KGM पहुंच चुका हूं, अभी थोड़ी देर बाद आपको बाहर का दिखाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूं पर थोड़ी देर सो लूँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो चलो थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं बाहर का, बाहर का भी थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है? चलो फिर थोड़ी देर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई फिर मैं KGM पहुंचा तो मैं थोड़ी देर सो गया था क्योंकि मैं रात का जागा हुआ था, तो मैं रास्ते में नींद जाए से बात पूरी नहीं हुई, तो फिर मैं थोड़ी देर सो गया। फिर उसके बाद मैंने उठ के आपको अपना गांव दिखाया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अपने जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ कोट गुलाम मोहम्मद की थोड़ी सी कोई बाहर का मंजर दिखा दूँ, कोट गुलाम मोहम्मद का यानी जन सबात का। तो मैं गली भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए, तो बस। जा रहा हूँ।
उठ गया, सुबह हो, मेरी सुबह हो गई यानी, तो मैं उठ चुका हूँ और मुँह हाथ वहाँ धो लिए, सब कुछ कर लिया, बाहर जाके भी आ गया मैं, आपको पता है आज इतने देर में बाहर जाके भी आ गया हूँ। तो और मैं बाहर जाऊँ और अपने लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाऊँ, अपने लिए नहीं, कोई और भी खा सकता, कोई इशू नहीं, नहीं लाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ मैं अपने लिए, तो चलो आप लोग भी देखो, लेकिन आपको मेरा वैलेज पसंद आया होगा। चलो खाना खा लिया है, बिरयानी भी खा ली और पेट इतना टाइट हो गया है कि अब उठने की भी हिम्मत नहीं है। तो थोड़ी देर कैलूला फरमाएंगे हम लोग, फिर रात में शादी में जाने में तैयारी करें। ठीक है, कम करता हूँ वापस वीडियो में, क्योंकि मैं अभी तैयार हो रहा हूँ जाने के लिए, क्योंकि रात की है तो रात का वलीमा है, तो इस वजह से अभी तैयार हो रहा हूँ जाने के लिए, कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा फ्रेश होऊँगा, तो फिर हम लोग निकलेंगे वलीमे के लिए। और वलीमा है उमर अमजद कायम खानी, नवाब उमर अमजद कायम खानी, तो मेरे कज़न हैं, तो उनकी वलीमे को अटेंड करेंगे। अगर मेरे को मतलब सही लगा, रोशनी सही आई, तो मैं वीडियो बनाऊँगा, और बस अगर नहीं आए तो उसके लिए मैं आप सबसे ज़्यादती तौर पर माजरत खाऊँ। बस थैंक यू सो मच, चलो मैं इंतजार होता हूँ, इतनी देर आप लोग रखो। तो भाइयों फिर मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर कैलूला किया, कैलूला करने के बाद मैं उठा तो मैं अपनी सिस्टर के घर पे गया, मैं अपनी सिस्टर से मिलने, तो मैं वहाँ से वापस आया तो मैं इतना टाइम हो चुका था कि मैंने शादी अटेंड करनी थी, तो मैं तैयार हुआ हो चुका। तो भाई फिर मैं पहुँचा समारो सिटी में, क्योंकि एक गाँव था, गाँव शहर, वो दोनों गाँव ही हैं, तो जहाँ शादी थी वो दूसरा गाँव था, तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर मैं उमर अमजद की शादी मैंने अटेंड की, वहाँ पर उनके साथ पिक्चर्स बनाई, वीडियोज़ बनाई, वो अभी आप देख सकते हैं आगे। तो फिर मैंने एंजॉय किया, तो वहाँ पे मुझे मेरे एक दोस्त मिला यजदान कायम खानी, तो हमने उनके साथ थोड़ी बात की, मीटअप किया यानी थोड़ी सी बात की, तो पिक्चर्स वगैरह भी लिए हम लोगों ने। और यजदान थैंक यू भाई, और मुझे काफ़ी दोस्त मिले वहाँ पे, नुमान खान थैंक यू सो मच, यजदान थैंक यू, अशमाम कायम खानी थैंक यू सो मच, और उमर अमजद को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ उनकी शादी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। तो फिर वहाँ पे मुझे और दोस्त भी मिले, जैसे कि नवाब अली जान, और काफ़ी दोस्त मुझे मिले थे, वहाब हैं समारोह के, काफ़ी मुझे काफ़ी दोस्त मिले, मैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। तो बस ये समारोह सेल्फी ले रहा था, यजदान। तो रात हो गई थी, तो फिर मैं सो गया था, फिर मैं सुबह उठा, मैं अपने गांव से समारोह से निकला वापस कराची के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरा समारोह का वो भी, मेरे समारोह के गांव के कुछ झलके भी। तो फिर मैं कराची से समारोह के लिए निकला, मैं इंतज़ार कर रहा था अपनी कोच का, तो बस फिर मैं निकला समारोह के लिए। तो अब मुझे ज़्यादा दी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैंने सासन कायम खाने, तो आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल सासन कायम खाने ऑफिशियल चैनल है, जो कि यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे पेज है ऑफिशियल सासन कायम खाने। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और एक बात, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या किसी भी किस्म से आप मुझसे बात या कोई भी चीज़ मुझे अपनी राय देना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे अपनी राय देना चाहते हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर ही ऑनलाइन रहता हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम हमारा डेली ये चल रही है सोलह समकान खानी के नाम से, तो आप इसको मुझे फॉलो भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल चैनल है सोलह समकान खानी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मुझे अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।